हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा है स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक को प्राइवेट बटन में मिल जाएगा। आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है सूर्य ग्रहण की, जो अभी तैयारियाँ चल रही है। सूर्य ग्रहण की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ओवरऑल मुझे इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे। तो थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं कि इसमें क्या है, इस ग्रहण में क्या ऐसा खास है कि यहाँ इतनी पब्लिक आ रही है। सुनने में अनुमान लगा है कि इसमें जो पब्लिक आने वाली है वो 15 लाख से आसपास आने वाली है, पर ये ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि ठंड के कारण ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी सुनने में आ रहा है तो हिसाब लगा लो, अगर कम से कम भी लगा के चलते हैं तो 4 लाख तो मिनिमम तो आ ही जाएगी, अगर 15 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्रहण ओवरऑल 10 साल के बाद आ रहा है। बाकी सर आते हैं, सर आओ। ये सर है, सर का पहले सबसे पहले नाम जान लेते हैं। तो नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप शर्मा है। हेलो ऑल ऑफ यू, सभी मेरे बुजुर्गों को, माताओं को और सभी मेरे साथियों को इस कुरुक्षेत्र की पावन धरा पे जो है सबका स्वागत है। और इस पावन धरती का थोड़ा इतिहास, थोड़ा सा इस ब्रह्म सरोवर के बारे में, जहाँ पे सूर्य ग्रहण का 10 वर्षों के बाद ये जो संयोग बनने जा रहा है सूर्य ग्रहण का, उस पर हल्का सा जो है थोड़ा सा उस पर प्राकट्य कर देते हैं कि ये जो ब्रह्म सरोवर है इसका इतिहास क्या है, इसका महात्म क्या है। ये 5 महाभारत को घटे हुए मेरे मित्रों की 5237 साल हो चुके हैं। और ये ब्रह्म सरोवर की जो धरा है, ये ब्रह्म सरोवर जो है ये हमारे सृष्टि के उपार्जन से संबंधित है। ये महाभारत से भी प्राचीन धरा है कि जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दायित्व दिया कि आप सृष्टि का उपार्जन कीजिए, तो तब ब्रह्मा जी ने यहीं पे यज्ञवेदी का निर्माण किया था और यहाँ पे पूजा अर्चन करके सृष्टि के निर्माण का कदम उठाया था। और जब ये विधि विधान से जो है ये पूजा अर्चना समाप्त हो गई, तो उन्होंने इस कुंड को जो है अग्नि कुंड, उसको पवित्र पानी से भर दिया, जो बाद में ब्रह्मासर के नाम से जाना गया। ब्रह्मासर से धीरे 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 ये ब्रह्म सरोवर हो गया। और ये सूर्य ग्रहण मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो संयोग जब भगवान कृष्ण जी ने, हमारे ठाकुर जी ने जब से ब्रज को छोड़ा था और 125 वर्षों के बाद कृष्ण अष्टमी को दिन जो संयोग बने थे, जो नक्षत्र योग बने थे, और उस नक्षत्र योग में जो सूर्य ग्रहण का प्राकट्य हुआ था, सूर्य ग्रहण का मेला लगा था, और 125 साल के बाद भगवान कृष्ण का ब्रजवासियों के साथ, आपने नंद बाबा जी के साथ, मैया के साथ, राधा जी के साथ, गोपियों के साथ जो मिलन हुआ था, वही संयोग, वही सूर्य ग्रहण का संयोग इस समय घटित हो रहा है। इसलिए और एक 10 वर्षों के बाद, ये तो भौतिक संसार की लीला है ही है कि 10 वर्षों के बाद जो है इस सूर्य ग्रहण का एक संयोग बन रहा है। वो जो उसका योग है, जो असली जो इसका गहन जो महत्व है, वो वही संयोग बन रहा है जो 125 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण का यहाँ पे धरा पे विराजमान हुए थे। और जो सूर्य ग्रहण का महत्व उस समय था, वही महत्व जो है इस समय उस सूर्य ग्रहण का होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, पता लग गया कि ये सूर्य ग्रहण क्यों है इतना खास। सर ने सारी डिटेल दी, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप जॉब क्या करते हो? मैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में हूँ चंडीगढ़ में, और साथ में मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ, दैनिक भास्कर से। और सब लोग आपका जो है स्वागत है, सूर्य ग्रहण पे आइए और इस अपनी पावन धरा को और अपने पावन जीवन को जो है पुण्य बनाए, पुण्य का भागी बनाए, और इसमें ब्रह्म सरोवर पे स्नान कीजिए, उस सूर्य ग्रहण के महत्व का फल का आप स्वीकार कीजिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो सर ओवरऑल मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं ये, मुझे कुरुक्षेत्र में रहते हैं, ये भी मुझे मिलते रहते हैं यहाँ पे। तो बाकी अगर कुछ जानना हो, पहचानना हो, तो मैं सर से हेल्प ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देख सकते हो कि ब्रह्म सरोवर पे सूर्य ग्रहण की काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं। मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूँ कि जो सर ने डिटेल में बता रखा है, शुद्ध हिंदी में बताया सर ने, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आएगा ये ग्रहण क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसमें क्या क्या तैयारियाँ चल रही है, छोटा संकेत भी मैं दिखाऊंगा, बल्कि छोटा ब्रह्म सरोवर है जो यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कवर करूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। उसमें भी पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि ये जब 15 लाख पब्लिक आएगी तो बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती है, ठीक है। तो अभी मेरी आंखों में बहुत सूर्य पड़ रहा है, तो पीछे आप देख सकते हो कि पीछे अभी काफ़ी पुलिस खड़ी हुई है, उनकी तैयारियाँ चल रही हैं, और 5000 तो यहाँ पुलिस कर्मचारी आ रहे हैं, 5000 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछा था। तो फ्रेंड्स ओवरऑल सपोज करोगे अगर 5000 पब्लिक आ रही है, मतलब कि इतनी पब्लिक आ रही है, तो उसके ऊपर 5000 तो सिर्फ अभी आए हुए हैं, तो मतलब कि अभी और आने हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला बहुत खतरनाक लगने वाला है, मतलब कि मेन क्या है कि आपको बता दूं कि ये
25 साल बाद, जैसे कि 25 साल कह दिया, कितने 25 100 साल 25 साल बाद 125 साल बाद ये ग्रहण मतलब कि सेम टाइम पे आ रहा है, मतलब कि जब कृष्ण भगवान जी अपने यहाँ पे जितने भी गोपियाँ थी और 125 वर्ष के बाद जो संयोग बना था भगवान कृष्ण के यहाँ आने का सूर्य ग्रहण के उत्सव पे, वही योग कृष्ण अष्टमी के पक्ष पे, इस समय कृष्ण अष्टमी पक्ष चल रहा है और 26 तारीख के बाद जब ये सूर्य ग्रहण निपट जाएगा उसके बाद शुक्ल पक्ष तैयार स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यानी वही ये इसी समय कृष्ण पक्ष चल रहा है। अच्छा। और वही संयोग, वही पवित्र संयोग जो है योग इस समय बन रहे हैं सूर्य ग्रहण के। बैकग्राउंड में गाने चलने लगे थे इसलिए मैंने थोड़ा कट कर दिया था। तो फ्रेंड चलो अभी थोड़ी तैयारियां दिखा देते, उसके बाद छोटा ब्रह्म सरोवर दिखा दूंगा, तो उसके बाद वीडियो का एंड। और कल मिलेगी आपको जो 25 तारीख और 26 तारीख दोनों कवर हो रहे हैं, मतलब कि 25 तारीख को भी ग्रहण शुरू हो रहा है, भीड़ देखने लग जाएगी। कल की वीडियो और परसों की वीडियो दोनों वीडियो आपको मिलेगी, बहुत भीड़ आने वाली है। तो चलो अब आपको थोड़ी तैयारी दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा छोटा स्नेत, ठीक है, और उसके बाद वीडियो का एंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ, वीडियो एंड तक देखिए, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। जो जो तैयारियाँ चल रही हैं सारी दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो, बीच में बैकग्राउंड में मैं म्यूजिक लगा दूंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, कुछ वीडियो मैं फॉरवर्ड में निकाल दूंगा। और चलो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। बहुत जल्दी मैं आपको सूर्य ग्रहण का मेला भी दिखाऊंगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मुझे बहुत कमेंट आए थे कि सर आप सूर्य ग्रहण का मेला कवर करो, और काफ़ी जने मुझे बोल भी रहे थे कि कवर करना है। तो आप ये देख सकते हो कि स्कूल अवल के आए हुए हैं, ये स्कूल का मुझे प्रोसेसर नहीं समझ में आया कि क्यों समझ में आया। तो फ्रेंड्स चलो जो भी श्रद्धालु अभी आने स्टार्ट हो गया, ये मैंने शूट की थी 24 तारीख को, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 24 तारीख को ही स्टार्ट हो चुका है। सुनने में आया कि यहाँ 15 लाख लोग आने वाले हैं, पर हो सकता है ठंड के कारण 15 लाख बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर जो तैयारियां चल रही हैं उसी हिसाब से काफ़ी लग रहा है कि आएंगे लोग, पर जितने भी आते हैं वो देख लेते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा अनुमान है 2-2.5 लाख लोग तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, 15 लाख का अनुमान बता रहे हैं, तो शायद उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, कम के चांसेस ज़्यादा क्योंकि ठंड बहुत है। तो चलो बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक लगा देता हूँ और आपको आई होप कि बढ़िया लगेगा जी मेला। काम चल रहा है और हम ही मतलब कि शूट कर रहा हूँ, ये ऑप्टिमा में मैं बैठा हूँ, इसके ऊपर मैंने वैसे वीडियो बना रखी है इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिमा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो ब्रह्म सरोवर में ना ये लगे हुए हैं, क्या कहते हैं इसको, बोर्ड लगा रहे हैं कि रैलिंग के परली साइड ना जाए, बाकी ये आप देख सकते हो भीड़ के लिए सारे प्रबंध हो रहा है कि एकदम काम चल रहा है। ये देखो भाई लगे हुए हैं, ट्रस्ट से काम करने लगे हुए हैं, और ये देखो जो साफ सफाई चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। We'll be right back.
तो फ्रेंड्स तैयारियां चल रही हैं, पूरी पूरी तैयारियां चल रही हैं, सफाई चल रही है, पूरी पूरी लटा लुटा लग गई है। ठीक है, अभी ये देखो, ठीक है, अभी इधर चल रहा है सेटअप पूरा। ठीक है, एंड तैयारियां चल रही हैं, ये तैयारियां चल रही हैं, पिलो पिलो लगा रहे हैं। हम जा रहे हैं छोटे स्नेक, ठीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ के साथ तैयारियाँ, और बैकग्राउंड में शोर बहुत है उसके लिए सॉरी। और ये देख सकते हो लंगर लुंगर की तैयारियाँ, ऐसा लंगर भी लगा रखे हैं काफ़ी, जो नहाने वाले हैं वो भी आ रखे हैं, बाबे बूबे जितने भी आ गए हैं, बाबे सारे आ गए यहाँ पे। वैसे ये तो यहाँ रहते रहते हैं, पर बाहर से भी बहुत आने वाले, पहले बहुत आते थे। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो ये पूरियाँ तैयारियाँ चल रही हैं। ठीक है, यहाँ नाके नुके पूरे तैयार हो रखे हैं, बैरल लगा देंगे यहाँ पे। कल बाइक, परसों से बाइक बंद हो जाएगी, बाइक बुक नहीं आएगी, आपको एकदम पैदल आना पड़ेगा। जी आप देख सकते हो तैयारियाँ पूरी, बांस बूस पूरे लग रखे हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, ये बैरल लगे हुए हैं पूरे। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये इधर इधर बांस बूस लग गए, ये आप देख सकते हो तैयारियाँ पूरी हैं, ये बांस बूस हैं पूरी, जहर वाली तैयारियाँ हो रखी हैं, ये आप देख सकते हो ना सूर्य ग्रहण की पूरी पूरी तैयारियाँ। इधर देख सकते हो सारे आके इधर अपना ये सेट सूट जिन्होंने मतलब ये तैयारियां कर रहे हैं वो सारे हैं। ठीक है, अब आ गए हम छोटे स्नेत पे, छोटा स्नेत ब्रह्मसोर के पास ही है, आपको नहीं पता तो आपको किसी से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। हम छोटे स्नेत पे वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, यहाँ तो अभी अभी से लोग आ गए हैं और नहाने भी लग गए हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, तो ये देखो ये सारे दूर दूर से गाड़ियाँ गुड़ियाँ आ गई हैं और बीच में तैयारियाँ चल रही हैं, इधर बिस्तरे बुस्तरे लग गए हैं, ये चेक कर सकते हो, इधर तक पूरा जहर जहर हो रहा है। ठीक है ना, ये देख सकते हो इधर बैनर लगा रहे हैं, कई जगह बैनर भी लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बैनर भी लग रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब आपको स्नेत का थोड़ा दिखा देते हैं, देखो कि कितनी पब्लिक अभी आने भी लगी है। ये कई जने छोटे स्नेत पे नहाएंगे, कई बड़े पे नहाएंगे, तो चलो अब स्नेत पे चलते हैं। स्नेत पे आ रखा हूँ, स्नेत पे चेक कर सकते हो, ये चल रही है सूर्य ग्रहण की तैयारियाँ, सूर्य ग्रहण की तैयारियाँ चल रही है ना, ये सूर्य ग्रहण की तैयारियाँ कर रहे हैं, ये छोटा ब्रह्म सरोवर है। ठीक है जी, वैसे उधर से आते हैं, मैं इधर से आया हूँ, यहाँ आप देख सकते हो पब्लिक आनी शुरू हो चुकी है, पब्लिक की स्नान भी कर रही है, ये आप देख सकते हो सारी तरह साफ सफाई एकदम चिकनी चिकनी करती है। ठीक है, अब कहीं उन्हें यहाँ आके पूजा करनी है, कहीं उन्हें स्नान करना है, इसे देख सकते हो। ठीक है, ये छोटा स्नेत है, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाया ब्रह्म सरोवर, क्योंकि वहाँ ना बेटे चल रही थी, बेटे चल रही थी, तो उसका कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता। थोड़ा आपको स्नेत दिखा देता हूँ मैं घूम के। ठीक है, ये देख सकते हो शौचालय भी इन्होंने बना रखे हैं, जैसे वाशरूम जैसे चेंज करना हो और मतलब फीमेल्स के लिए ना, ये फीमेल्स यहाँ इसके अंदर स्नान कर सकती है और उधर कपड़े चेंज कर सकती है, अगर आपने कुछ चेंज करना है। वैसे इसके अंदर भी होता है चेंज करने वाला सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बैठने बैठने के लिए सिस्टम है या बाई चांस। ठीक है, बाथरूम इधर भी बन रखे, बाथरूम दो उधर ये सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हो रखे है, तो पूरा साफ़ सफाई हो रखी है पूरी। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। ओवरऑल मैंने कवर किया है, सारा नहीं कवर किया, मैं बता दूँ उसका रीज़न, वहाँ चल रहे थे गाने, मतलब कि बेटे चल रही थी मास्टर सलीम जी की, तो मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, तो मैंने मेन आपको दिखा दिया कि अभी तैयारियाँ इसकी चल रही हैं, और कल जो होने वाला है कल से ही स्टार्ट हो जाएगी भीड़, और ओवरऑल 15 लाख कह रहे हैं पब्लिक की आ सकती है, पर ठंड का प्रभाव पड़ सकता है। मुझे लगता नहीं है कि 15 लाख आएगी, बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना। मेन मतलब कि क्यों ये खास है वो मैंने आपको बता दिया है कि खास क्यों है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, काफ़ी जनों का कमेंट आए थे कि भाई आप सूर्य ग्रहण भी कवर करो, तो इसलिए मैं सूर्य ग्रहण कवर कर रहा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ, ये मैंने कभी किया नहीं है, और ये जो कवर कर रहा हूँ ये बहुत खास है। और सुनने में आया है अगले महीने अगले साल जुलाई में ये ग्रहण फिर से लगेगा, अब मुझे नहीं पता ये क्या सिस्टम है, बल्कि वो ग्रहण थोड़ा इतना हैवी नहीं होगा, पर ये 10 साल बाद आ रहा है। और इसका मेन कारण क्या था कि ये इतना खास क्यों है वो भी हमने आपको बता दिया। 125 साल नहीं, तो नहीं 125 साल ही बताया था सर ने, तो सर ने मुझे बताया था, जो आपने आपने सुना ही होगा सारा, उन्होंने शुद्ध हिंदी में बताया था, और आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जिसने तो आपने देखा ही होगा। वैसे मैं अब क्या दिखाऊं, बाकी तैयारियां दिखा देता हूं, पार्के पुरके वो झाड़ू झुड़ू फिर रहे हैं, पूरे तैयारियां हो रही हैं ज़बरदस्त, और कोशिश करूंगा कि जो कल की वीडियो बनाऊंगा वो छोटी बने, अगर बहुत बड़ी हुई, क्योंकि मेला तो ये सूर्य ग्रहण का मेला है, इसमें शॉप्स नहीं लगेंगी, इसमें लोग नहाने आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य ग्रहण में रहता है, अब देखो मैं चिकना हो गया ना, इधर सूर्य निकला है, तो पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो झाड़ू झूड़ू यार फिर रहे हैं, पार्किंग पुरके सारी साफ़ हो रही हैं, ताकि जो जो पब्लिक दूर दूर से आने वाली है वो सही हो जाए।
और रोड में ओवरऑल काफ़ी जगह जैसे न्यू बस स्टैंड हो गया वहाँ तक बैनर लग जाए, बल्कि वो लग जाएंगे, वहाँ से पब्लिक पैदल ही आएगी यहाँ पे, तो रेलवे स्टेशन से भी लगेंगे, वहाँ से भी पैदल आएगी, भीड़ बहुत होने वाली है। और मैं कवर करूँगा, आई थिंक अगर बड़ी बहुत लंबी वीडियो बन गई तो मैं इसको पार्ट में डालूंगा, क्योंकि एक वीडियो एक तो लंबी एडिटिंग करने में दिक्कत होती है, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो मेरे 3-4 दिन खत्म हो जाएगी, जब तक सूर्य ग्रहण निकल जाएगा तब तक आप वीडियो देख पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही है, आपके लिए हाजिर है मनी, चलो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी कोशिश रहेगी कि आपको सूर्य ग्रहण अगर आप नहीं देखना देखने आ पा रहे हो या स्नान करने नहीं आ रहे तो आप इन्जॉय कर सको एटलीस्ट ग्रहण का क्या बल्कि माहौल कैसा है यहाँ पे। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें, और हाँ इसी चैनल पे 50K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस थोड़े से रह गए, मतलब कि मात्र कितने रह गए होंगे, 30-35 रह गए होंगे, अभी मैंने देखा नहीं है पर 30-35 रह गए होंगे, 38 या इतने के रह गए होंगे, क्योंकि पहले थे 40 कुछ समथिंग थे, तो अभी 50 क्रॉस कर चुके हैं और 50 के रह गए, 50 नहीं 30 के रह गए। तो बाय फ्रेंड्स, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, बाय, थैंक यू वॉच द वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ये चैनल के ऊपर 50K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और इस चैनल पर जल्दी जल्दी 50K करवा दीजिए, थैंक यू वॉच द वीडियो, इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी, थैंक यू।